एक गांव जहां रातों रात प्रकट हुई भगवान शिव की गुफा। कई किलोमीटर पर भी कोई पहाड़ी नहीं। रामायण काल से जुड़ा है पहाड़ी का रहस्य। देखिए स्वयं प्रकटेश्वर महादेव मंदिर की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश के गंज बासोदा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा दिव्य स्थान, जहां रातों रात प्रकट हुए गुफा के साथ भगवान भोलेनाथ। ये बात सुनने में चमत्कारी और रहस्य से भरी है। हमारी टीम ने इस देव स्थान पर जाने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में गंज बासोदा से 10 किलोमीटर पर स्थित है गमाखर गांव। दोनों ही जगह के ट्रेन रूट से इस स्थान तक पहुंचा जा सकता है। हमने गंज बासोदा होते हुए इस गांव में पहुंचने का रास्ता चुना और मुख्य सड़क को छोड़कर गांव की सिंगल रोड का सफर तय किया। तब कहीं जाकर हम उस प्रवेश द्वार पर पहुंचे जहां गांव का नाम लिखा हुआ था गमाखर। नमस्कार, देव दर्शन में आज हम आपको गंज बासोदा से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसे शिव धाम में लाए हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं प्रकटेश्वर प्राचीन सिद्धेश्वर शिव मंदिर है। मंदिर के पास बनी पहाड़ी को देखकर सारी की सारी थकान दूर हो जाती है। मंदिर में रहस्यमय पहाड़ी के अलावा दूर दूर तक और कोई पहाड़ी या चट्टान नहीं है। सिर्फ एक ऐसी पहाड़ी है जिसके गर्भगृह में विराजे हैं स्वयं प्रकटेश्वर भगवान भोलेनाथ। मंदिर प्रांगण में हमारी मुलाकात वहां के पुजारी पंडित राहुल शर्मा से हुई, जो कई सालों से इस मंदिर में पूजा करते हैं और यहां के कर्ता धर्ता भी हैं। अब हमारे मन में उठ रहे सवालों के जवाब तलाशने की बारी थी, जिसके लिए हमने पंडित जी को साथ लिया और मंदिर में बनी पहाड़ी की ओर चल दिए। मंदिर में प्रवेश करते ही हमारी नजर पहाड़ी के पास बनी एक पुरानी कुटिया पर गई और पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर संत महात्मा के पूजा पाठ का स्थान है, जो सैकड़ों साल पुराना है और आज भी इसे वैसा ही रखा गया है। कुटिया में एक हवन कुंड और कुछ पुरानी तस्वीरें भी थी। कुटिया के ठीक सामने की तरफ गर्भगृह की पहाड़ी पर हमें खाली जगह दिखाई दी, जिसके बारे में पंडित जी ने हमें बताया कि वो चमत्कारिक है। उन्होंने हमें बताया ये जो जगह खाली है ये बहुत छोटे आकार की थी, जिसमें गोबर के कंडे रखे जाते थे, पर देखते ही देखते ये इतना बड़ा हो गया कि इसमें आराम से बैठा जा सकता है। मंदिर प्रांगण में ही इस तरह के कुछ बालू पत्थर के छोटी चट्टानें, जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप ये पूरी चट्टान देखें। इस तरह की मंदिर प्रांगण में से अपने आप ये चट्टानें निकल रही हैं और इसके बारे में पूरा विस्तार से हमें राहुल जी बताएंगे, पुजारी जी। राहुल जी, किस तरह से ये आप कब से देख रहे हैं ऐसा? ये मानिए कम से कम इसको हो गई 100-200 वर्ष तो हो गई, ऊपर ही मान के चलिए। ये बहुत छोटे आकार में थी, जब परिक्रमा देने आते हैं तो भक्त बहुत छोटी दिखती थी उस साइड की, मगर अपने आप ये भी मंदिर के साथ थोड़ी थोड़ी साल दो साल में थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये भी आप देख रहे हैं, ये पत्थर अपने आप जमीन से निकल रहे हैं बाहर। और इस तरह का इस तरह का एक पत्थर यहाँ भी है जी, हाँ देख सकते हैं आपके इस तरह का एक ये इस तरह की ये एक ये चट्टान भी है जो अपने आप जमीन से, अभी इसका आकार हालांकि इससे थोड़ा सा छोटा है लेकिन ये निकल रही है। तो इसी तरह का क्या पूरे प्रांगण में है? हाँ, आगे चलेंगे तो आगे भी अभी इससे छोटा निकल रहा है, मतलब कि पूरा प्रांगण में भोलेनाथ स्वयं ही ये पत्थर, तो अभी ये RCC हुई थी तब भी मतलब इसके नीचे भी गया हुआ है, वो तो स्वयं भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है, तो स्वयं भगवान वो तो पत्थर निकल रहे हैं। इसी तरह से ये पूरी ठोस बालू पत्थर की एक पूरी चट्टान है बिल्कुल, और यहाँ दूर दूर तक लगभग कोई ऐसी कोई दूसरी चट्टान नहीं है, कोई चट्टान लेकिन नहीं ये रातों रात यहाँ पर आई गई ऐसी इस तरह की यहाँ पर कथा है। बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर प्रांगण में बनी पहाड़ी में बने खाली स्थान के चमत्कार को सुनने के बाद हम पहाड़ी में परिक्रमा करते हुए आगे बढ़े। पहाड़ी पर हमें कई नाम लिखे दिखाई दिए, जिसके बारे में पुजारी जी ने हमें बताया कि मंदिर में दर्शन करने के लिए आए भगवान भोलेनाथ से यहाँ अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए अपना नाम लिख देते हैं। कुछ समय के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी ने छेनी हथौड़ी से इसे लिखा हो, जो अमिट सा लगता है। इसके बाद पुजारी जी ने हमें बताया पहाड़ी के पास बनी कुछ छोटी चट्टानों के बारे में, ये भी एक आश्चर्यजनक रहस्य है। उन्होंने बताया कि ये जो छोटी चट्टानें हैं वो अपने आप जमीन से निकल रही हैं, धीरे धीरे बड़े आकार के रूप में ऊपर की तरफ उठ रही हैं।
पहाड़ी के पास बनी छोटी चट्टानों के चमत्कारिक ढंग से जमीन से बाहर निकलने और लगातार बढ़ने की बातचीत के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां कई खंडित मूर्तियां हैं जो पहाड़ी के साथ मौजूद थी। हमें पुजारी जी ने बताया कि उन्हें दूसरे समय में खंडित किया गया था। आगे बढ़ते हुए हमारा ध्यान पहाड़ी के पीछे और चोटी पर बनी गुफा जैसे आकार वाली जगह पर गया, जिसके बारे में पंडित जी ने बताया कि इस गुफा के अंदर कई रास्ते हैं जो पाताल तक जाते हैं। हमने पहाड़ी पर पीछे की तरफ से चढ़ने का फैसला किया। बालू पत्थर की चिकनी पहाड़ी पर हम कुछ ऊपर तक चढ़ भी गए। पहाड़ी के आगे की तरफ आने पर कुछ पत्थर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे गिरने वाले हैं, पर सालों से ये यहीं टिके हैं और वो भी सैकड़ों सालों से हर मौसम की मार झेलने के बावजूद। इस समय गर्भगृह की पहाड़ी पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ पुजारी जी राहुल जी हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गर्भगृह जो ये पूरा है, इसके ऊपर ये चट्टाने हैं। जिस तरह से आपको कोशिश करूंगा कि आप चट्टाने देख पाए, ये देख सकते हैं आप, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जो चट्टान है ये गिर जाएगी या, लेकिन आज तक ऐसा है पुजारी जी, कब से आप देख रहे हैं इस तरह से? इसको तो हम तो हमारी आयु से तो हम तो देख ही रहे हैं तब से, मगर ये तो अनादिकाल से ऐसी रखी हुई है चट्टान कि कभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। इतनी बारिश, इतना आंधी तूफान आया, मगर अभी तक इस पर कोई याद नहीं। गर्भगृह में विराजे हैं प्रकटेश्वर महादेव। पहाड़ी से जुड़े चमत्कार और रहस्यों को जानने के बाद अब वक्त था नीचे की तरफ उतरने का, वहाँ मौजूद गांव के लोगों से बातचीत करने का, जिससे हमें यहाँ से जुड़ी कथाओं और मान्यताओं के बारे में पता लगे। हमें बातचीत के दौरान इस प्राचीन शिव मंदिर के रामायण काल से भी जुड़े होने का पता लगा, जैसे कि हनुमान जी संजीवनी पर्वत ले जा रहे थे जिसका एक टुकड़ा ये पहाड़ी है, और ये भी पता लगा कि ये गर्भगृह आसमान से होता हुआ एक मंदिर के निर्माण के लिए जा रहा था, पर किसी महिला ने पुराने वक्त में गेहूं पीसने वाली चक्की उल्टी घुमा दी जिससे ये यहीं रुक गया। जी आप ये कब से ये मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं और किस तरह के कथा है? सुबह समार ये जब से ही आ रहा है, देख रहे हैं। तो किस तरह की कथा है मंदिर से जुड़ी, क्या कब से ये है प्राचीन मंदिर? प्राचीन तो हमने सुनी है जब से ही है, जिन हमने हमारे सामने यह सोई देखो। कितने साल पुल हो गए होंगे लगभग आपको? नब्बे साल। क्या कितने वर्षों पुराना मंदिर आप कब से देख रहे हैं और किस तरह की कथाएं जुड़ी हैं? 47-48 साल की उम्र हो गई हमारी भी, जब से हम ऐसे देख रहे हैं। हमने यारा छोटा सा देखा था, एक भाई एक का देखा था आरा, अब वो माने 3x5 का होगा, इतना बड़ा अपने माने अपने आप बढ़ रहा, कुदरती बढ़ रहा है, कोई वहाँ में हस्तक्षेप नहीं कर रहा। और मैं देखता हूँ ये दूर दूर तक यहाँ ऐसी कोई पहाड़ी भी नहीं है, कोई पहाड़ी नहीं है, माने जही बताते हैं लोग यहाँ के, ये मंदिर उदयपुर जा रहा था, किसी ने चक्की घुमा दी, बुजुर्ग लोग बताते हैं, अपने तो मालूम नहीं है। और भी कुछ इस तरह से कथाएं जुड़ी हो अगर मंदिर? हाँ, बताते हैं कि वो भगवान हनुमान जी महाराज जी पहाड़ लेके जा रहे थे, संजीवन बूटी लेके, जो बताते हैं लोग के कुछ गुड़ रहस्य जी के पत्थर गिर गया था जहाँ, तो वो ही शिवलिंग है। मंदिर से जुड़ी कथाओं और पहाड़ी के यहाँ आने के रहस्य के बारे में बातचीत के बाद हम अब प्राचीन प्रकटेश्वर मंदिर के गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर चुके थे, जिसके अंदर बने दिव्य शिवलिंग और गर्भगृह में बनी देवताओं और भगवान भोलेनाथ की अपने आप बनी आकृतियों के बारे में पुजारी जी ने हमें बताया। प्राचीन प्रकटेश्वर शिव धाम गमाखर मंदिर में करीब 6 घंटे रहने के बाद वहां के हर स्थान को करीब से देखने और बातचीत से एक बात साफ थी, यहां शिवलिंग के आने और पहाड़ी पर बनी गुफाओं के रहस्य और पहाड़ी के लगातार बढ़ने की बात एक चमत्कार की तरह है जिसे यहां के लोग आज भी मानते हैं। हर शिवरात्रि को यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं। इस दिन गांव में सामूहिक रूप से व्रत भी किया जाता है। प्राचीन शिवधाम गमाखर से वेब दर्शन के लिए भरत श्रीवास्तव के साथ सोनू नामदेव की रिपोर्ट। रहस्यमय मंदिरों और धर्म से जुड़ी हर जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल वेब दर्शन। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।